हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बजाज फिनसर्व का EMI आप पेटीएम के थ्रू कैसे भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना हमारा चैनल। तो आइए शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, मान लो अगर आपने बजाज फिनसर्व की तरफ से कौन सा भी लोन लिया होगा, कौन सा भी मोबाइल नंबर दिया होगा, तो हर 2 तारीख से आपके बैंक अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो आपका EMI बाउंस हो जाएगा। और वो बाउंस EMI आप कैसे भरेंगे, तो उसके लिए आपको पेटीएम में जाना होगा। पेटीएम में जाने के बाद आप सीधा यहाँ पर पेटीएम जो ऑप्शन है ऊपर, वहाँ पर आप लोन सर्च करो। उसके बाद यहाँ पर लोन पर क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलेक्ट योर लेंडर, यहाँ पर आप क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको बजाज डालना होगा। यहाँ पर बजाज के 2 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको सबसे पहले बजाज फिनसर्व सिलेक्ट करना है। आपको ऐसे बजाज ऑटो फाइनेंस नहीं सिलेक्ट करना, आपको सिर्फ यहाँ पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपको लोन अकाउंट नंबर डालना होगा। लोन अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका ओवरड्यू EMI कितना बाकी है या आपको कितना EMI भरना है। तो उसके लिए आपको लोन अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। मुझे मालूम है आप लोगों में से किसी को भी लोन अकाउंट नंबर पता नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको बजाज फिनसर्व का एक एप्लीकेशन आता है ऑफिशियल, उसको डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर इस बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉगिन किस तरह से करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके लिए आप मेरे पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है किस तरह से आप इसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कौन सा भी EMI चालू नहीं है, सारे EMI मेरे क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर नो एक्शन रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ पर जो प्रीवियस लोन से उसके ऊपर मैं क्लिक किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपके EMI बाकी है वो यहाँ पर शो होते जाएंगे। मेरे सारे EMI यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते कि लोन अकाउंट नंबर, ये जो आपका लोन अकाउंट नंबर है, यही आपको यहाँ से जो लोन अकाउंट नंबर है वो आपको पेटीएम के अंदर डालना होगा। फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर मेरा लोन अकाउंट नंबर डालूंगा तो यहाँ पर वो रॉन्ग दिखाई देगा, क्योंकि जो मेरा लोन अकाउंट नंबर है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। उसका जितना भी EMI बाकी था वो सारे मैंने भर चुके हैं, तो वो लोन अकाउंट नंबर यहाँ पर नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए अलग लोन अकाउंट नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप गेट पेएबल अमाउंट पर क्लिक करोगे तो आपको आपका नाम आ जाएगा, आपकी कितनी अमाउंट बाकी है भरने की, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप पेटीएम के जरिए आपका लोन भर सकते हैं। जैसे आप लोन भरोगे तो तुरंत ही आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा बजाज फिनसर्व की तरफ से, तो जितना भी आपका अमाउंट था वो आपने भर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे आप बजाज फिनसर्व का EMI ऑनलाइन यहाँ से भरते हो पेटीएम के जरिए, तो कुछ घंटे बाद वो तुरंत ही बजाज फिनसर्व जो एप्लीकेशन है उसके अंदर भी अपडेट हो जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा बजाज फिनसर्व की तरफ से कि आपका जो EMI था वो भर दिया गया है। तो आप टेंशन मत लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है EMI के बारे में तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई दे दूंगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।